अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने पहले लेक्चर में ये मीनार बना लिया था। इस लेक्चर में हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो पहले ये वाले पार्ट से शुरू करते हैं। इसमें हमें स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं जो कि हॉरिजॉन्टल हैं, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लेते हैं, ठीक है। पहले लाइनिंग का पार्ट है इसमें और फिर एक ब्लैंक लाइन दी हुई है। गलत हो गई, ठीक है। ये डिज़ाइनिंग की ये लाइनिंग वाला पार्ट है और ये ब्लैंक। इसके बाद दोबारा से लाइनिंग वाला पार्ट, और फिर ब्लैंक पार्ट। ठीक है, फिर दोबारा से और फिर ब्लैंक पार्ट और फिर ये लाइनिंग वाला और फिर यहाँ हल्का सा ब्लैंक पार्ट, ठीक है जी। तो हम पहले पार्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें एरोज नज़र आ रहे हैं जो कि थोड़े दूर दूर हैं। के बाद ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल ब्लैंक आएगा, इसमें क्या करना है, इसमें हमें एरोज बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब बनाने, कोशिश करेंगे कि ये एक जैसे बने तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहाँ पर भी हम ऐसी लाइनें खींचेंगे,
और यहाँ पर हमें दोबारा से ऐसी लाइनें बनानी हैं करीब करीब। ठीक हो गया, तो हमारा ये एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम बनाएंगे ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में हमें ज़्यादातर कर्व लाइनों की प्रैक्टिस सिखाई है। तो यहाँ आपको एक छोटा सा कर्व दिख रहा है, यहाँ हम बिल्कुल एक छोटा सा कर्व बना देंगे। उसके बाद हमें एक बड़ा सा कर्व दिख रहा है, तो हम बड़ा सा कर्व बना देंगे। बड़े से कर्व में हमें दिख रहा है एक ज़िगज़ैग लाइन। ज़िगज़ैग लाइन के पैरेलल और ज़िगज़ैग लाइन बनाएंगे और यहाँ कर्व के पैरेलल कर्व बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें दिख रहा है एक कर्व और उसके ऊपर बहुत सारे कर्व छोटे छोटे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, उसके बाद दोबारा से वही पैटर्न रिपीट किया हुआ है। इसमें हमारे पास दो ज़िगज़ैग लाइन आएंगी और उसके पैरेलल और लाइन आएंगी और कर्व के पैरेलल और कर्व लाइन। एक ही जैसा पैटर्न रिपीट करना है ताकि हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। इसके अंदर और कर्व, इसके अंदर हमें दिख रहे हैं एक आधा और दो। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद दोबारा से पैटर्न रिपीट होगा। और इसके अंदर इसके पैरेलल और कर्व लाइंस। ठीक है, इसके अंदर पूरे तीन ज़िगज़ैग लाइंस के पार्ट रिपीट होंगे। ठीक है जी, ज़्यादा बड़े हो गए, इसको इरेज करके दोबारा से ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी पूरे तीन हो रहे हैं।
वही पैटर्न बार बार रिपीट करना है, वो हम कर चुके हैं, तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। ठीक है जी, यहाँ एक और बना लेते हैं। वेरी गुड, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, दो पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। अब ये तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में हमें वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, वर्टिकल लाइंस ऊपर से नीचे आती हैं। कोशिश करेंगे सबका गैप सेम रहे, ठीक कर लेते हैं इसको।